I'm going to present screen. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Type number? Three, yes. Type three. Okay. Yes, type three. Type three कौन सी है? WH questions. तो हमने two types already कर ली हैं. First type कौन सी थी? Affirmative and negative. Yes. Affirmative. Yes, negative and affirmative sentences. Second type कौन सी थी? Yes, no. Means interrogative. Yes. Interrogative. Yes. And third type is of WH questions. Means questions start होंगे WH से. WH questions. Yes. Who, what, where, which, whom, when, why, how. Right? तो आपने ये understand किया अच्छे से. जो हमने सॉल्व एक्सरसाइज की थी, आई एम अनमोल, हु आर यू, फिनिश्ड? यस मैम. ओके, नाउ मूव टू इट्स एक्सरसाइज फाइव. तो एक्सरसाइज फाइव है, फर्स्ट सेंटेंस. मैम आई नो. जस्ट वेट मैम. जस्ट वेट. वेट आई नो. फर्स्ट सेंटेंस इज मिस्टर शर्मा teach us English. Screen is not visible. Yes, ma'am. Screen visible हो रही है? No, no, ma'am. एक मिनट. No, ma'am. आर्यन, आर्यन. मैंने उसको लेफ्ट किया. ओके जी, सो फर्स्ट इज मिस्टर शर्मा टीच अस इंग्लिश. यस, खुशप्रीत कौर. खुशप्रीत कौर बेटा वेट. खुशप्रीत, यस. नो, अस का हम कैसे, अस का कन्वर्ट करो. जस्ट वेट बेटा, वेट. Understand this sentence. Understand this sentence. Mr. Sharma teach us English. के Mr. Sharma हमें English teach करते हैं. तो हम question कैसे put करेंगे कि आपको English कौन teach करता है? तो इसका तो खुशप्रीत ने correct किया, who teach us नहीं आएगा, तो आपको you. Who teach you English? Right? Note down. Who teach you English. English. Mama, I have done. Okay. 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 Now second is, his father is a doctor. Aryan, फिर से स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं. ओके 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 ओके. चलिए आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही. अब हो रही है? मैम शो ही नहीं हो रही. जस्ट वेट बेटा, वेट वेट वेट. ओके बेटा, फर्स्ट. सेकंड इज हिज फादर इज अ डॉक्टर. यस वैभव. वैभव मैम आई नो. व्हाट इज योर फादर. एक मिनट, जस्ट वेट. व्हाट इज योर फादर का आना था. अगर क्वेश्चन होता माय फादर इज अ डॉक्टर, तो मेरे को आप क्वेश्चन पुट कर सकते थे, व्हाट इज योर फादर. नाउ
सेंटेंस इज हिज फादर इज अ डॉक्टर. वैभव थोड़ा सा इसको मोल्ड करिए. यस ध्रुव, ध्रुव वॉन्ट्स टू टेल. यस ध्रुव, स्विच ऑन योर कैमरा. ध्रुव स्विच ऑन योर कैमरा. यस यस ध्रुव, बेटा वेट करिए. यस ध्रुव, नेटवर्क इशू. यस, व्हाट इज हिज फादर, तो योर की प्लेस पे क्या आएगा? व्हाट इज हिज फादर, डू नहीं आएगा, कुछ नहीं होता, ऐसे ही होता है. व्हाट इज हिज फादर? यस, एक्सक्यूज मी मैम, तो व्हाट इज योर फादर भी आ सकता है. जैसे कि मैं बोलूंगी माय फादर इज अ डॉक्टर, देन व्हाट इज योर फादर? यस, एक्सक्यूज मी मैम. यस 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 मैम, इसका ये हो सकता है व्हाट इज ऑक्यूपेशन ऑफ हिज फादर. व्हाट इज ऑक्यूपेशन ऑफ हिज फादर हो सकता है, लेकिन जब भी ऐसे ही पॉइंट्स आते हैं. बेटा वेट करिए, एक स्टूडेंट को अपना पॉइंट क्लियर करने दो, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट की टर्न होती है. तो बीच में ऐसे करोगे तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा आपको. हैव पेशेंस. तो जब भी आपके पास ऐसे सेंटेंस आते हैं कि माई फादर इज अ डॉक्टर, माई मदर इज अ टीचर, तो आप ऐसे ही यूज करोगे व्हाट इज योर फादर. लेकिन जैसे देविका ने बोला वैसा भी हो सकता है, लेकिन आप इसको प्रेफर करो व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज हिज फादर. फाइन, एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम, इसका ऐसा भी हो सकता है हु इज हिज फादर. नो नो नो, हु इज हिज फादर, उसके फादर कौन है? नो नो, ये नहीं हो सकता. फाइन, क्यों मैं अपने जो कुछ भी लिखवाया था ना, व्हाट इज हिज फादर, वैसे ही और दो दो लिख दिए थे. ओके, नेक्स्ट. नाउ थर्ड इज, यस बेटा, वन बाय वन. यस खुशप्रीत, तरनजोत. यस बेटा बोलिए. मैम ऐसे भी हो सकता है हुज फादर इज अ डॉक्टर. हुज फादर इज अ डॉक्टर? नो. यस, तो हमने हमने हाईलाइट किसको किया है, उसके बेसिस पर आपने क्वेश्चन फॉर्म करना है. तो डॉक्टर को किया है ना, तो अगर हिज को करते तब आपका खुशप्रीत करेक्ट था. ये जो आप बोल रहे कि हुज फादर इज अ डॉक्टर, किसके फादर डॉक्टर है? हिज फादर इज अ डॉक्टर. राइट, क्लियर हुआ? ओके मैम. अब किसी स्टूडेंट का और कोई क्वेश्चन है? यस मैम. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट. ही प्लेज हॉकी. तो आपने स्पेशली चेक करना है किसको अंडरलाइन किया गया, किसको हाईलाइट किया गया, या किसको हमने अलग कलर से नोट डाउन किया है. तो हो सकता है एग्जाम में आपको कलर से अलग से हाईलाइट करके दे दे. फाइन, तो अपने हाइलाइटेड वर्ड चेक करने या अंडरलाइन वर्ड चेक करने हैं. नेक्स्ट, ही प्लेज हॉकी. तो पहले इसका क्वेश्चन फॉर्म बनाओ, क्या बनेगा? वो हॉकी खेलता है. क्या होगा इसका? व्हाट इज ही, व्हाट इज प्ले, व्हाट प्ले. तो पहले तो एक पॉइंट क्लियर करना है हमने. बेटा वेट करिए, तो हु के लिए तो ही, तो हॉकी तो आप क्वेश्चन में यूज कर रहे हो, हॉकी क्वेश्चन में नहीं आनी चाहिए, उसका आंसर हॉकी आना चाहिए. ऐसा क्वेश्चन फॉर्म करना आपने. व्हाट ही प्लेज, व्हाट ही प्लेज. ओके, और कोई स्टूडेंट? व्हाट ही प्लेज. ओके, और कोई? यस, ओके. एनी अदर स्टूडेंट? यस, व्हाट ही प्लेज. मैं आपकी क्वेश्चन सुन रही हूँ, आप क्या क्या क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हो. सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड करने के सेंटेंस क्या है. ही प्लेज हॉकी, के वो हॉकी खेलता है. राइट, ये क्लियर है? तो अगर हम क्वेश्चन क्वेश्चन इसका फॉर्म करें कि वो कौन सी गेम खेलता है, कौन सी गेम, विच गेम, विच गेम, तो प्ले के साथ एस और ई एस लगा हुआ है, तो हम डज डू डज यूज करेंगे. नेटवर्क इशू. विच गेम ही प्ले, विच गेम डज ही प्ले, विच गेम डज ही प्ले. क्लियर हुआ ना? विच गेम
डज ही प्ले, डज क्यों यूज किया, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस था, यस प्ले के साथ एस लगा हुआ, विच प्ले विच गेम डज ही प्ले, डज ही प्ले। बेटा नेटवर्क इशू है जिनको भी नहीं क्लियर आ रही, विच गेम डज ही प्ले। नेक्स्ट फोर्थ, वी वेंट टू कांगड़ा बाय कार, तो कार को इन्होंने हाईलाइट किया है कि हम कांगड़ा कार से गए, तो इसका क्वेश्चन फॉर्म कैसे बनेगा कि आप कांगड़ा, यस देविका हाउ डू यू रीच कांगड़ा, ओके हाउ डू यू, एक मिनट जस्ट वेट, हाउ डू यू रीच कांगड़ा, ओके बट अभी हमने, बेटा वेट करिए, यस बताइए हाउ डू यू वेंट कांगड़ा, जस्ट सुनो अभी, तो हमने बाय कार को हाईलाइट किया ना, तो वेंट कौन सी फॉर्म हुई, वेंट वेंट कौन सी फॉर्म हुई, सेकंड, तो सेकंड फॉर्म में क्वेश्चन मार्क के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिड यूज करते हैं, डिड के बाद कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं, डिड के बाद वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म, बेटा डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं डिड के बाद, राइट जब भी क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, तो अभी ये क्वेश्चन बनेगा कि आप कांगड़ा कैसे गए, यू हाउ डिड यू गो टू कांगड़ा, तो देविका आप रीच वर्ड यूज कर रहे हो, तो हमारे पास यहाँ वर्ब है गो वेंट गोन, तो रीच होता तो रीच 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 होता तब यूज करते, राइट तो नोट डाउन करिए, हाउ डिड यू, तो ऐसे में जब भी आप लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर करते हो, जब हम बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो उसमें भी आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है, अगर डिड क्वेश्चन में आया है तो आपने वर्ब को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर लिखना स्टार्ट करना होता है, अगर डू डज में आया तो फर्स्ट फॉर्म में ही उसके साथ एस और यस यूज करोगे, क्लियर, हाउ डिड यू गो टू कांगड़ा, यस एक्सक्यूज मी मैम, यस जितनी प्रैक्टिस करोगे तब भी क्लियर होगा, यस सुनिक्षा मैम कार्तिक राणा, बेटा आप दूसरे स्टूडेंट का क्यों इतना चेक करते रहते हो कि कोई स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, आप वर्क नहीं करते अंडरस्टैंड अच्छे से, आपका ध्यान जस्ट स्क्रीन पे होना चाहिए, कोई स्टूडेंट जो कुछ मर्जी करे वो उसकी प्रॉब्लम है, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है या दूसरों को अट्रैक्ट कर रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आप समझो मत, तो आपने अपना फोकस रखना है कि जो टॉपिक स्टार्ट किया जा रहा है या मैम क्लास में जो करवा रहे हैं वो हमें क्लियर हो भी रहा है या नहीं, राइट यस His father is a doctor? Yes, sir. What is his father? Yes, next is fifth point. Kamla is 15 years old. सबसे पहले इसका अपने अपने माइंड में क्वेश्चन फॉर्म करिए, हाईलाइटेड वर्ड कौन सा है 15 years? दीपाली मैम हाउ ओल्ड यस आर यू, हाउ ओल्ड, तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि आई एम, जस्ट लिसन बेटा लिसन, मिस्टेक्स देखो कैसी हो रही हैं, तो दीपाली ने क्या बोला, हाउ ओल्ड आर यू, तो क्वेश्चन ऐसा सेंटेंस नहीं था कि आई एम 16 इयर्स ओल्ड, सेंटेंस क्या था, कमला इज 15 इयर्स ओल्ड, यस दीपाली इसको अगेन करो करेक्ट, दीपाली यस हाउ ओल्ड, यस हाउ कमला, नो हाउ ओल्ड, तो देखो जस्ट वेट होल्ड ऑन जस्ट वेट, बेटा वेट करिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, सेंटेंस था कमला इज 15 इयर्स ओल्ड,
तो दीपाली ने बोला हाउ ओल्ड आर यू, तो मैंने दीपाली को बोला कि इसको करेक्ट करिए, तो आर की प्लेस पे अब आएगा इज, हाउ ओल्ड इज, किसकी बात कर रहे हैं, कमला की, हाउ ओल्ड इज कमला, राइट क्लियर हुआ बेटा, वन बाय वन, यस यशवीर, शी के बारे में, शी कौन है, तो अभी शी का नेम मेंशन करेंगे ना हम, हाउ ओल्ड इज कमला, राइट यस यशवीर, हाउ मेनी इयर्स, हाउ मेनी इयर्स कमला ओल्ड, तो इसका एग्जैक्ट तो हम यही यूज कर सकते हैं, हाउ ओल्ड इज कमला, हाउ मेनी इयर्स, थोड़ी सी सेंस बन रही है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बोल सकते ना हम। ओके तो आप इसको करेक्ट कर सकते हो अभी, हाउ ओल्ड इज कमला। नेक्स्ट, माई अंकल लिव्स इन दिल्ली, तो पहले इसका क्वेश्चन फॉर्म माइंड में सेट करिए बोलने से पहले। यस कार्तिक राणा, कार्तिक, कार्तिक राणा मैं बेटा, जब मैंने एक स्टूडेंट का नेम अनाउंस किया है उसके बाद बाकी स्टूडेंट्स की आवाज नहीं आई। यस कार्तिक, टेल मी इट्स आंसर, माय अंकल लिव्स इन दिल्ली। अच्छे से सोच समझकर आंसर देना, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यस वेयर वेयर वेयर, वेयर डू योर अंकल, यस ये भी हो सकता है, वेयर डू योर अंकल लिव्स, तो अगर हम लिव्स को एस को रिमूव करें तब क्या बनेगा, वेयर डज योर अंकल लिव, तो कार्तिक राणा का भी करेक्ट है, तो डज भी यूज कर सकते हैं हम, राइट। वेयर डज योर अंकल लिव, यस योर आएगा, वेयर डज, यस गुड, वेयर डज योर अंकल लिव, अंकल लिव, तो कार्तिक राणा का भी करेक्ट था, वेयर डू योर अंकल लिव्स। ओके नाउ इट्स सेवन, मैंने भी क्या बोला है कि जब डज यूज करना है तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, अगर डू यूज करोगे तो लिव्स आएगा। यस सेवन, हर हॉबीज गार्डनिंग, यशवीर, यशवीर विल टेल, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि जब भी एक का नेम अनाउंस होता है तो बाकी आई नो नहीं बोलोगे। यस हर हॉबीज गार्डनिंग, यस तो गार्डनिंग को हाईलाइट किया गया इसमें। यस व्हाट इज हर हॉबी, वेरी गुड, व्हाट इज हर हॉबी, व्हाट इज हर हॉबी, हर हॉबी। नेक्स्ट प्रभजोत सिंह, प्रभजोत, प्रभजोत इज प्रेजेंट, नो मैम, ओके इज नॉट वेल टूडे, फाइन। नेक्स्ट, मिल्क इज सेलिंग एट ₹40 पर लीटर, के मिल्क 1 लीटर का कितना सेल हो रहा है, ₹40 का, ₹40। तो अभी इसका क्वेश्चन फॉर्म करिए सबसे पहले, जस्ट वेट, क्वेश्चन फॉर्म करके देखिए अपना अपना कि क्या क्वेश्चन इसका करेक्ट बनेगा। यस तरनजोत कौर, तरनजोत कौर, प्राइस सेलिंग, यस व्हाट, आई नो व्हाट प्राइस मिल्क सेलिंग, नो 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 नो, नेक्स्ट, आई वांट टू आई नो आई वांट टू टेल, वैभव, व्हाट इज प्राइस ऑफ मिल्क, ओके सुनीक्षा गुप्ता,
एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो. मिल्क इज सेलिंग एट रुपीज 40 पर लीटर. सुनिक्षा टेलिंग और नॉट. यस दीपाली. ओके यस दीपाली. हाउ मेनी प्राइस ऑफ मिल्क. नो हाउ मेनी प्राइस ऑफ मिल्क नहीं. यस देविका. मैं यस. यस ये भी हो सकता है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ मिल्क. और सिंपल ये भी हो सकता है यशवी ने बताया व्हाट इज द प्राइस ऑफ मिल्क. व्हाट इज द वैभव ने. ओके व्हाट इज क्या व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द मिल्क भी लिख सकते हो या ये लिखोगे व्हाट इज द प्राइस ऑफ मिल्क पर लीटर. यस व्हाट इज द आप तो आप शॉर्ट में लिखो ना व्हाट इज द प्राइस ऑफ मिल्क. यहाँ मिल्क आएगा द नहीं आएगा. यस यस सुनिक्षा. यस कॉस्ट ऑफ मिल्क पर लीटर भी लिख सकते हो. नेक्स्ट इज नाइन्थ. नेक्स्ट नाइन्थ इज ही पास द बीए एग्जामिनेशन इन 2002. तो उसने बीए एग्जामिनेशन 2002 में पास किया. यस तरनजोत. ओके एनी अदर स्टूडेंट. यस यस अनीश. अनीश मैम अनीश क्लास में नहीं है. ओके यस वैभव. व्हिच ईयर यू पास्ड. इन विच ईयर भी आ सकता है लेकिन हम सिंपल भी बनाएंगे कि कब पास किया. व्हेन कब के लिए व्हेन. व्हेन डिड ही पास. पास सेकंड फॉर्म है तो हम डिड यूज करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यस व्हेन डिड ही पास हिज बीए एग्जामिनेशन. यस नोट डाउन. नोट इट डाउन. ये लिखना है ना व्हेन डिड ही पास बीए एग्जामिनेशन. यस व्हेन डिड ही पास हिज बीए B.A. examination question mark last में question mark आएगा. then next is tenth is we go to school on foot. Yes. How do you? Reach. तो reach के लिए अब क्या use करेंगे. यहाँ पर क्या है देविका. verb की first form. कौन सी given है. Mine. Which form of verb is given in this sentence देविका. Go. Yes. How do you go to school. सिंपल. हाउ मेरा भी यही था. गुड. हाउ डू यू गो टू स्कूल. नेक्स्ट इज 11th. दे विल रिटर्न इन अ वीक. तो वो एक वीक में वापिस आ जाएंगे तो इसका सेंटेंस फॉर्म करिए. Any other student? They will return in a week. वो एक वीक में वापिस आएंगे. अब है रिटर्न वर्ड. तो
वो कब वापिस आएंगे? When will they return? When will they return? Yes. When will they return? Yes. Next is 12th. 12th is my father read the Tribune. Reads आएगा, read नहीं आएगा. My father singular है तो इसके साथ s attach करिए. It's by mistake. My father reads the Tribune. The Tribune is a name of newspaper. Reads the Tribune. Yes. तो इसका question क्या बनेगा? Which newspaper does your father read? My father reads. My father है तो question में your father आएगा, right? Which newspaper your father reads? Which news? Yes, does. Which newspaper does your father read? Yes, does your father read? Father. Yes. One क्या बोल रहे हो दीपाली? One minute. Okay. Do. तो ये आपकी एक्सरसाइज 5 कंप्लीट हो चुकी है. ओके. तो अगर हम ओके. तो अगर हम क्वेश्चन बनाएं, ही प्लेज हॉकी का नेगेटिव में क्या बनेगा? ही प्लेज हॉकी. ही प्लेज हॉकी का नेगेटिव. वेरी गुड. ही डज नॉट प्ले हॉकी. इसका ही इंटरोगेटिव. डज ही प्ले हॉकी? डज ही प्ले हॉकी, राइट. नेक्स्ट, वी वेंट टू कांगड़ा बाय कार. इसका नेगेटिव. ही डज नॉट वेंट टू कांगड़ा. तो जस्ट वेट वैभव, आपने बोला वी डज नॉट. वी के साथ सबसे पहले वेट बच्चे, सबसे पहले वी के साथ डज तो यूज करते ही नहीं. ही शी इट के साथ डज यूज होता है. जो मेन पॉइंट था इसमें, इसमें सेकंड वर्ब की फॉर्म गिवन है वेंट. तो जब सेकंड फॉर्म गिवन हो तब तो हम डू डज तो यूज ही नहीं करते. तो आपके दोनों पॉइंट्स रॉन्ग हुए. तो क्या यूज करेंगे? वी. यस वैभव, ट्राई टू डू. वेरी गुड. वी डिड नॉट गो टू कांगड़ा बाय कार. तो इसका बाय कार. यस, इसका इसको ही हम अगर इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करें, अगर हमारे पास कुछ भी हाईलाइट नहीं है, जस्ट इंटेरोगेटिव बनाना है, तो डिड वी गो टू कांगड़ा बाय कार? गो टू कांगड़ा बाय कार. क्लियर हुआ ना? ऐसे इस फॉर्म में आप इसको इनको फॉर्म करोगे. क्लियर हुआ? हैव यू डन योर वर्क? यस मैम. यस मैम. ओके. एक्सक्यूज मी. यस. जैसे कि अभी आपने हमसे पूछा कि वी वेंट टू कांगड़ा बाय कार, नेगेटिव जैसे कि आपने पूछा, तो हमको सारों के ऐसे लिखने भी हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं लिखना. अभी इतना ही वर्क था आपका, वो मैंने जस्ट रिवाइज करवाया आपको टाइप 1 एंड टाइप 2. फाइन. ओके मैम. ओके. यस बेटा. नो, स्कूल में भी हॉलीडे नहीं होती आपको. तो आप लिसन, आपने लोहड़ी की एक्टिव, बेटा वेट, आपने लोहड़ी की एक्टिविटीज भी सेंड करनी है मुझे. ओके ओके ओके. तो मेरे को सेंड करना किसी की कोई भी एक्टिविटी के रिगार्डिंग कोई पॉइंट है तो मेरे को सेंड कर देना बेटा व्हाट्सएप पे. Now, okay. Now it's time to your next class. Okay, bye.